दोस्तों नमस्कार। मानसूनी मौसम के अंदर यानी कि जब मानसून की रिमझिम फुहारों के बीच मौसम सुहावना है, लेकिन उस सब के बीच पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक पारा खूब चढ़ा हुआ है, पूरी तरह से गर्म है, क्योंकि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव नज़दीक है। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है, यानी कि अगले 90 दिन में हरियाणा की 90 विधानसभाओं के लिए चुनाव की घोषणा हो जाएगी। हरियाणा के अंदर एक बार फिर चुनावी घमासान शुरू हो जाएगा, जिसकी आहट अभी से आने लगी है। तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस है, आज कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भांजी आज गुरुग्राम और नूह जिले के अंदर थे कार्यकर्ता सम्मेलन में। दूसरी तरफ जहां कांग्रेस सक्रिय है, तो भारतीय जनता पार्टी भी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी और उनके तमाम प्रकार के मीटिंग कार्यक्रम, छोटी बड़ी टोली की बैठकें चल रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक सोशल मीडिया पर कल जो फोटो रेंग रही थी, जो खबरें चल रही थी, उसने राजनीतिक पारे को और गर्मा दिया। फोटो थी मायावती और अभय सिंह चौटाला की मुलाकात की। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से लखनऊ में मुलाकात करने पहुंचे थे अभय सिंह चौटाला, और वो फोटो सोशल मीडिया पर खूब चलती रही। अभय सिंह चौटाला उनको फूलों के बुके दे रहे थे, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे। अभय सिंह चौटाला के साथ उमेद लोहान थे, तो मायावती के पीछे आकाश आनंद भी दिखाई पड़ रहे थे। यानी कि राजनीतिक खिचड़ी पकाने की, पॉलिटिकल ताना बाना बुनने की एक तैयारी शुरू। और बात चल पड़ी उसके बाद में कि 11 तारीख को 11 बजे यानी कि 11 जुलाई को सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दोनों पार्टियों के नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आप मान करके चलिए कि उसके अंदर एक एजेंडा तय हो जाएगा और उसके अंदर फाइनल हो जाएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में गठजोड़ होने जा रहा है, एक बार फिर से गठबंधन होने जा रहा है। कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन राजनीति के अंदर बड़ी बात है। बड़ी बात यूं नहीं है कि ये गठबंधन कितनी बार हुए और कितनी बार टूटे। अगर मैं इन गठबंधन को यूं कह दूं कि जो खासकर बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन होते हैं, अगर मैं उनसे ये कह दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह, यानी कि एक फिक्स समय के लिए होता है और टूट जाता है। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बीएसपी का अलायंस पहली बार नहीं हो रहा। 1998 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। 3 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी और 7 सीटों पर लड़े थे इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट। और वो पहला चुनाव था जो सफल, बहुत सफल प्रयोग साबित हुआ था। 4 सांसद बन गए थे इंडियन नेशनल लोकदल के, और एक अंबाला के सांसद बन गए थे अमन कुमार नागरा बहुजन समाज पार्टी के। और वो गठबंधन ऐसा गठबंधन हुआ जिसे सक्सेस कहा जा सकता है, सफल गठबंधन। लेकिन वो गठबंधन चुनाव का परिणाम आने से पहले ही टूट गया, जब सांसद बन करके, चुन करके आए इंडियन नेशनल लोकदल ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को समर्थन दे दिया और बहुजन समाज पार्टी की अपनी अलग राह चल पड़ी। उसके बाद में एक बार फिर गठबंधन हुआ दोस्तों, 2018 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन वो गठबंधन, इधर चौधरी देवीलाल का परिवार विभक्त हुआ, परिवार में बंटवारा हुआ, तो इधर वो गठबंधन टूट गया। हालांकि आपको खूब ध्यान होगा कि 2018 के बाद वो कई दिन तक चलती रही, ओम प्रकाश चौटाला और मायावती जी की पार्टी के नेताओं की इकट्ठी रैलियां हुआ करती थी, एक दूसरे को बदल बदल के पगड़ी बांधते थे, लेकिन वो पगड़ियां सारी खुल गई तब जब चौधरी देवीलाल का परिवार, ओम प्रकाश चौटाला का परिवार बिखर गया। और तीसरी बार अब गठबंधन की बात चली रही थी लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव में तो हुआ नहीं, अब विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन होने की पूरी उम्मीद है। इसलिए मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, एक फिक्स समय के लिए, एक तय समय के लिए समझौता जो होगा और टूटेगा। वैसे इंडियन नेशनल लोकदल के अलावा बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा के अंदर एक बार गठबंधन, हरियाणा जनहित कांग्रेस जो बनी थी कुलदीप बिश्नोई की पार्टी, हालांकि ना वो आज पार्टी है, और कुलदीप बिश्नोई आजकल घूम घुमाते हुए भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुके हैं। और हरियाणा जनहित कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भी हुआ था, टूट गया था चुनाव होने से पहले ही, चुनाव में ही साथ नहीं चल पाए थे।
और एक बार गठबंधन राजकुमार सैनी की पार्टी के साथ भी हुआ, बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन वो गठबंधन भी भरभरा कर गिर गया, टूट गया। जैसे आजकल बिहार में पुल गिर रहे हैं, ऐसे ही बसपा के साथ गठबंधन होते हैं, गिरते हैं, होते हैं, गिरते हैं। खैर, एक नई शुरुआत है, तो हम उम्मीद करेंगे कि अब की बार शायद ये लंबा चले। अब बात आती है कि हरियाणा की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, पक क्या रहा है और होगा क्या। लोकसभा चुनाव के अंदर सीधा मुकाबला हुआ हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। दोनों ने 5-5 सीटें जीत ली। भारतीय जनता पार्टी अपनी 10 में से 5 सीट बचाने में कामयाब हो गई, तो कांग्रेस 5 सीट कमाने में कामयाब हो गई। आम आदमी पार्टी को भी थोड़ी सी खुशी मिली। चुनाव तो उनके सांसद का महोदय जो लड़ने आए थे सुशील गुप्ता जी, हार गए कुरुक्षेत्र से, लेकिन 3 विधानसभा सीटों पर जरूर आगे रहे। तो ये रहा लोकसभा चुनाव का परिणाम। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, जननायक जनता पार्टी, इनके लिए बड़े, एक तरह से कहें तो दिन खराब चले। ये भी किसी भी पार्टी को जो वोट शेयर मिला वो 2% तक भी नहीं पहुंच पाया, किसी भी पार्टी का वोट शेयर। बहुजन समाज पार्टी का इन सबसे ज्यादा रहा। बात चल पड़ी कि अब फिर एक बार फिर जरूरत है, क्योंकि अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को साबित करना है। तो अभय सिंह चौटाला चल पड़े लखनऊ की तरफ और फैसला करने पहुंच गए मायावती जी के दरबार में समझौता करने के लिए। और मायावती जी ने भी बड़ी खुशी खुशी से हाथ जोड़ करके उनको विदा किया और कह दिया कि मिलेंगे भाई। एक बड़ी सुंदर पिक्चर एक पहले भी सामने आई थी, मैंने आपको जिक्र किया है, 2018 के अंदर जब 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का और फिर विधानसभा का, उस चुनाव से 6-8 महीने पहले वो पिक्चर चलती थी, साल भर पहले पिक्चर चलती थी। और उस पिक्चर का एक क्लाइमेक्स ये था कि अभय सिंह चौटाला के हाथ में राखी बांधी थी मायावती जी ने, यानी कि भैया बहना की जोड़ी बन गई थी, भाई बहन की जोड़ी। लेकिन वो जोड़ी चुनाव तक नहीं चली थी, चुनाव तक वो जोड़ी असर नहीं पकड़ पाई थी। लेकिन अब क्योंकि ये समय है, इस चुनाव के अंदर 2024 के चुनाव में मायावती जी ने भी बहुत कुछ खोया है, अभय सिंह चौटाला ने भी बहुत कुछ खोया है, और अब कुछ पाने की जुगत में दोनों हैं। किसी भी प्रकार से कहीं बात बने तो कहीं बात फिर आगे बढ़े, और मुझे लगता है इसी सोच के साथ में ये दोनों दल फिर इकट्ठे हुए होंगे। वैसे मैं आपको बताऊं तो हरियाणा के अंदर अभी गुंजाइश है गठबंधन की, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में हुआ, जिसके अंदर मात्र 2 पार्टियां जुड़ी, एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी, और चुनाव होते ही टूट गया। चुनाव के दौरान भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहा करते थे कि हरियाणा में हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन गठबंधन हुआ क्योंकि नेशनल लेवल पर चल रहा था, तो हुड्डा साहब को उन्होंने ऊपर पूछना नहीं था, गठबंधन हुआ। आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन फिर भी लोकसभा का मैंने बता ही दिया कि 3 विधानसभा सीटों पर आगे रही। अब अगर आगे की बात करें तो उस पिछले लोकसभा चुनाव में एक इंडिया गठबंधन का हुआ भी सही तो एक गठबंधन टूटा भी सही। देश भर के अंदर एक गठबंधन जो था, खासकर महाराष्ट्र के अंदर, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार, यानी कि NCP शरद पवार की पार्टी का, महाराष्ट्र के अंदर तो था, लेकिन हरियाणा के अंदर वो गठबंधन नहीं चल पाया। और करनाल से NCP के टिकट पर चुनाव लड़े मराठा वीरेंद्र। और अब बड़ी चर्चाएं हैं कि NCP और समाजवादी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस से कुछ सीट चाहती है इंडिया गठबंधन के तहत, लेकिन हुड्डा साहब है कि किसी के लिए वो कोई स्पेस छोड़ना नहीं चाह रहे, वो कह रहे हैं खुद लड़ेंगे 90 की 90 सीटों पर। और इस बीच में गुंजाइश बन चली है हरियाणा के अंदर, जो एक गठबंधन तो लगभग आप मान के चलें कि तय है, वो गठबंधन है मायावती और अभय सिंह चौटाला का, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का। लेकिन एक जो गुंजाइश बाकी है तीसरे मोर्चे की, क्या हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला तीसरे मोर्चे की तरफ भी बढ़ सकते हैं? दरअसल इसका जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हरियाणा के अंदर भले ही समाजवादी पार्टी का कोई असर आज ना हो, लेकिन यदुवंशी वोटों पर तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की कुछ ना कुछ से तो जरूर है। NCP का भले ही गठबंधन हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली है उसका ना हो, लेकिन मराठा वीरेंद्र जो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं उसका
रोड मतदाताओं पर, करनाल कुरुक्षेत्र के मतदाताओं पर जो लगभग 3-3.5 लाख मतदाता हैं, उन पर कुछ तो असर है। आम आदमी पार्टी भले ही चुनाव तो लोकसभा का नहीं जीत पाई, लेकिन 3 विधानसभाओं में आगे रही, और आम आदमी पार्टी का भी पूरे हरियाणा के अंदर संगठनात्मक ढांचा तो मजबूत है। क्या एक हरियाणा के अंदर तीसरे मोर्चे की गुंजाइश भी है, या तीसरा मोर्चा भी बन सकता है? भले ही अभय सिंह चौटाला, जो 2019 का चुनाव था उसके अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ जो सब कुछ हुआ, तिहाड़ जेल को लेकर के, आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर के गुस्सा हो, खुंदक में तो हो, लेकिन राजनीति में सब कुछ चिरस्थायी नहीं होता, हालात और मौके बदलते रहते हैं। और ये मौका एक ऐसा है, क्योंकि 2024 सबको प्रूव करना है, मैं आपसे वही बता रहा हूँ, खासकर हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। अभय सिंह चौटाला के लिए तो ये परीक्षा की घड़ी इसलिए है ये, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की पार्टी जो इंडियन नेशनल लोकदल, जो रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग के पास मान्यता प्राप्त प्रदेश की राजनीतिक पार्टी के रूप में, उसके लिहाज से अभय सिंह चौटाला की पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल को 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा में 6% और विधानसभा में 8% ये चाहिए। लेकिन 2019 के ना लोकसभा चुनाव में ना विधानसभा चुनाव में इनेलो ये अचीव नहीं कर पाई, स्थिति खराब थी इनेलो की। 2024 का लोकसभा चुनाव हो चुका, लेकिन इनेलो को जो वोट मिले वो लगभग 1.5% ही मिला, 6% वोट या 1 लोकसभा की सीट, उस पर खड़े नहीं उतर पाए। अब अगर इस विधानसभा चुनाव के अंदर भी 8% वोट और 2 विधानसभा की सीट इनेलो नहीं ले पाई, तो फिर चश्मा भी उतर जाएगा, यानी कि चश्मे का सिंबल भी छिन जाएगा, चुनाव निशान जो मिला हुआ अभय सिंह चौटाला की पार्टी को वो भी नहीं रहेगा। इसलिए परीक्षा की घड़ी अभय सिंह चौटाला के लिए है। दूसरी बात, किंग मेकर बन सकते हैं, जैसे पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला बन गए थे। अगर कुछ कर लेते हैं, तीसरा मोर्चा बन जाता है, या कोई मोर्चा खेल करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली, और कहीं ऐसा हुआ कि किसी पार्टी को बहुमत ना मिला, क्योंकि चुनाव बहुत कांटे का है हरियाणा के अंदर, तो फिर तीसरी ताकत मजबूत हो सकती है। इन सबको देखते हुए निगाहें तो रहेंगी, अगले दिनों का जो एपिसोड सब चलेंगे, अगले दिनों में जो घटनाक्रम चलेगा कि कैसे गठबंधन बनते हैं, क्या गठबंधन होते हैं, कौन से गठबंधन आकार लेते हैं। बीएसपी और आईएनएलडी का तो हो गया कि 11 तारीख को बैठक होगी, लेकिन और कितना इसके अंदर विस्तार हो सकता है, कितनी सीटों पर कौन लड़ सकता है, ये बहुत सारी सवाल होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, और इन्हीं पर तय करेगा अगला चुनाव। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों, इतना एक बात जरूर है कि ये गठबंधन होने के बाद, और अगर ये तीसरा मोर्चा कोई बन जाता है, इसके अंदर 1-2 पार्टी और आ जाती हैं, तो फिर इतना तो जरूर हो जाएगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा होगा, उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, नया दरवाजा खुल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश है, या तीसरा मोर्चा बन सकता है? आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर क्या बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल मिल करके कोई करिश्मा कर सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर किसी पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, और या फिर पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में भी कोई किंग मेकर सामने आएंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।